गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, हम लोग स्टोरी में पढ़ रहे थे शुड विजर्ड हिट मम्मी। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जैक अपनी बेटी जो को सुलाने के लिए कहानियां सुनाया करता था। आज उसने कहानी प्रस्तुत शुरू किया था, जिस कहानी का नायक था स्कंक। उसका पूरा नाम पड़ा रोजर स्कंक। रोजर स्कंक के बारे में जैक ने जोश से बताया कि उसके बड़ी बैड स्मेल आती थी। बैड स्मेल आने के कारण जंगल का कोई भी प्राणी उसके साथ खेलता नहीं था। सब ये कहते थे, देखो रोजर स्कंक आ रहा, बदबू देने वाला। सब भाग जाते थे। रोजर स्कंक वहीं पर खड़ा रहता था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। आगे देखिएगा, द कॉर्नर ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड। द कॉर्नर माने कोना, ऑफ जोस माने जो के माउथ माने मुंह का ड्रॉप डाउन नीचे गिर गया। जो के मुंह का चेहरा नीचे गिर गया, सॉरी, जो के मुख का कोना नीचे गिर गया। भाई कोई दुखी हो गया, उसने दुखी मुंह को बना लिया। एंड और हर लोअर लिप्स उसका नीचे का होंठ बेंट फॉरवर्ड, बेंट माने झुक जाना, फॉरवर्ड माने आगे, और आगे जाकर के उसके निचला होंठ झुक गया। एज जब ही माने वार था, तो जो जैक ने ट्रैग माने चलाया, विथ ए फोर फिंगर माने अंगुली, अलोंग द साइड माने बगल ऑफ हर नोज उसके नाक के, ठीक ना भैया, जब उसके नाक के बगल उसने अपनी अंगुली को चलाया, तो जो का क्या हुआ भैया, जो का ओठ बाहर निकल आया और क्या कहते हैं, मुंह नीचे, मुंह का कोना नीचे झुक गया। द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोगर स्कंक्स, द कोर्स माने की तरह, वन माने एक, ऑफ द रोगर स्कंक्स, रोगर स्कंक के टीयर माने आंसू, रोगर स्कंक के आंसू जैसे गिर रहे थे, उसी प्रकार से जब जैक ने जो के नाक के बगल अपनी अंगुली को चलाया, कहा बिटिया ऐसे टूप से आंसू गिर गए। तो बेटा जो का चेहरा, मुंह का कोना निकल आया, लटक गया और होठ बाहर आ गए। वोंट ही सी द आउल, सी आस्क इन हाई एंड फेंटेड रब्ड वॉइस। बोट क्या नहीं, ही माने वा अर्थात रोगर स्कंक, सी माने जाएगा मिलेगा, दाउल माने उल्लू से, क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा। सी आस्क उसने पूछा, इन ए हाई माने उच्च, एंड फेंटली माने धीमी, रफ माने भद्दी, वॉइस माने आवाज में। बेटा अन्य जानवरों का व्यवहार देख करके उसे थोड़ा सा क्रोध आने लगा। जो ने अपने पापा से पूछा कि क्या वो उल्लू के पास नहीं जाएगा। जब उसने बात पूछा तो बेटा उसकी आवाज बहुत ऊंची थी और फेंटली मूर्छित अवस्था में, निराश अवस्था में थी और थोड़ा भद्दी भी थी। और ये कहते कहते बेटा सिटिंग माने बैठ गई, बैठ करके ऑन द बेड माने बिस्तर पर, बिसाइड माने बगल, हर माने अपने, अपने बगल बिस्तर पर उठ करके बैठ गई और बैठ करके पूछा, पापा क्या वो उल्लू के पास नहीं जाएगा। जैक फेल्ट, जैक ने महसूस किया द कवर्ड, कवर्स माने चादर, टैक माने खिंच गई, एज हर लेग्स उसके पैरों में। जब जैक ने महसूस किया, जब बेटा उठ के बैठे तो उसके पैरों में चादर क्या हो गई, खिंच गई। एज जब, एज हर लेग्स, जब उसके पैर ट्विस्ट, ट्विस्ट माने इकट्ठा हो गए,
टेंटली माने टेंसली माने चिंता के साथ, बेटा जब चिंता के साथ उसके पैर मुड़ गए, पैरों में बदलाव आया तो चादर टान उठी, चादर खिंच गई। जब बेटा बेटी की इस उत्तेजना को देख करके ही माने वार था, जैक वाज था प्लीज्ड माने खुश। विद दिस मोमेंट इस क्षण जैक बड़ा ही खुश था। ही वाज टेलिंग, वो बता रहा था हर माने उसे अर्थात जो को समथिंग कुछ ट्रू माने सही, कि वह अपनी बेटी जो को कुछ सही सही बातें बता रहा था। समथिंग कुछ ही मस्ट नो, उसे अवश्य जानना चाहिए था। Had no wish something she must know, उसे कुछ अवश्य जानना चाहिए था। Had no नहीं wish माने चाहता था, to hurry आना ने जल्दी करना, जैक अपनी कहानी को सुनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। But लेकिन down stair सीढ़ी के नीचे a chair एक कुर्सी scrapped मानी ली, लेकिन सीढ़ी के नीचे एक कुर्सी हिली। एंड और ही माने बाहर था, जैक ने रियलाइज्ड माने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन, उसे अवश्य ही नीचे जाना चाहिए। टू हेल्प माने सहायता करने के लिए, क्लेयर, क्लेयर उसकी पत्नी का नाम है, क्लेयर अर्थात अपनी पत्नी को पेंट माने रंगाई करने में, द लिविंग रूम बैठक कच्छ के वुडवर्क माने फर्नीचर, उसने महसूस किया कि उसे अवश्य ही नीचे अपनी पत्नी क्लेयर की सहायता करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वह बैठक कक्ष में फर्नीचर की पेंटिंग कर रही थी। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, बेटा जय कहता है कि वेल ठीक ही माने वार था स्कंक, वाग्ड माने गया, इलांग बेरी सैडली बहुत दुखी होकर के, बहुत दुखी होकर के वो गया। एंड केम आया टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बहुत बड़े पेड़ के पास आ गया। एंड और इन द टिप टॉप चोटी पर, आप द ट्री माने पेड़ की वाइस था, इन माने एक, इनोर्मस माने विशाल काय, वाइस माने बुद्धिमान, ओल्ड माने बूढ़ा, आउल माने उल्लू, और पेड़ के एकदम चोटी पर एक विशाल काय बुद्धिमान उल्लू रहता था और था भी। गुड बेटा, जो ने अपने पापा से कहा गुड मिस्टर आउल, रोगर स्कंक सेड। जब बेटा रोगर स्कंक वहां पहुंचता, उसने कहा श्रीमान उल्लू, ऑल अदर लिटिल एनिमल, ऑल माने सभी, अदर माने अन्य, लिटिल माने छोटे छोटे, एनिमल माने जानवर, रैन अभी भाग जाते हैं फ्रॉम मी, मुझसे, सभी जंगल के छोटे छोटे जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आई स्मेल सो बैड, मुझसे बहुत ही बुरी बदबू आती है। सो यू डू, दाऊ सेड, उल्लू ने कहा सो यू डू, हाँ तुमसे बुरी बदबू आ रही है, वेरी वेरी बैड, बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, रोगर स्कंक सेड। रोगर स्कंक ने कहा एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, रोगर स्कंक सेड। रोगर स्कंक ने कहा एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत तेज से रोने लगा। द विज़र्ड जो शाउटेड, जो चिल्ला करके अपने पापा जैक से करे कि उल्लू कहेगा कि तुम किसके पास जाओ, विज़र्ड के पास जाओ, विज़र्ड के पास जाओ, यही कहेगा। एंड और सेट माने बैठ गए, अपराइट, राइट अप माने ठीक, और उठ करके बैठ गई। एंड और ए लिटिल, एक छोटा सी गोल्डन सुनहरी बुक्स माने किताब, स्पेल्ड माने गिर गई, फ्रॉम द बेड माने बिस्तर से, और बिस्तर से एक छोटी सी किताब नीचे जाकर के गिर पड़ी। क्लियर भैया, यहीं पर हम आपका तीसरा पार्ट समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।